फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज आप इस ट्रेंडिंग साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और इस कुर्ती पर मैंने पफी स्लीव को रेडी किया है और कटवर्क के साथ नेक पर डिज़ाइनिंग की है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस कुर्ती को रेडी करने के लिए मैंने 2.5 मीटर का शिफॉन फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ 44 इंच की है और 1/2 मीटर की कॉटन लाइनिंग ली है। इस कुर्ती की कटिंग 2 पार्ट में होगी, टॉप और बॉटम पार्ट। तो पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। और टॉप पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक की हमें इस तरह से 2 फोल्डिंग कर लेनी है। और ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है और ये कपड़े की विड्थ वाली साइड है, यानी कि चौड़ाई वाली साइड है। अब देखिए, टॉप पार्ट के लिए जितने हमें फैब्रिक की ज़रूरत है पहले उतने फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच की। 1 इंच का मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। आप टॉप पार्ट की लेंथ 15, 16 या 17 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच पर मार्किंग की है। अब इस मार्किंग पर फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इस वाले फैब्रिक को साइड में कर देते हैं। इसमें से हमें बॉटम पार्ट और स्लीव को कट करेंगे बाद में। अब इस वाले फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारे फैब्रिक की 4 फोल्डिंग हो गई है। और अब हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो मुझे टॉप पार्ट पर लाइनिंग अटैच करनी है, तो मार्किंग भी हम लाइनिंग पर करेंगे। अगर आप लाइनिंग नहीं अटैच कर रहे हैं तो ये मार्किंग इस वाले फैब्रिक के ऊपर करें। तो लाइनिंग को भी हमने वैसे ही 4 फोल्ड कर लिया है। अब इस पर हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेंथ की मार्किंग करनी है। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच। 1 इंच का मार्जिन लेंगे तो 16 इंच पर हमें लेंथ की मार्किंग ले लेनी है। अब इस मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब इस वाली मार्किंग के ऑपोजिट वाले साइड पर हमें शोल्डर मार्किंग करनी है और शोल्डर मार्किंग मैं 7 इंच पर कर रही हूँ। अब इस वाली मार्किंग के नीचे की तरफ हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग भी मैंने 7 इंच पर ही की है। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब इस मार्किंग से चेस्ट मार्किंग लेंगे और चेस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट लेंगे। तो ये मार्किंग मेरी 9 इंच पर आई है। अब इस वाली लाइन पर हमें कमर के लिए मार्किंग करेंगे और कमर की मार्किंग के लिए भी 1/4 पार्ट ही लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसके साथ एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। इस मार्किंग पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देंगे। तो पहले इस लाइन से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग लेंगे और इस मार्किंग पर तिरछी लाइन लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ से पहले फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब इस मार्किंग से 1/4 इंच बाहर की तरफ एक मार्किंग करेंगे बैक आर्म होल के लिए। तो ये बैक के आर्म होल की मार्किंग भी हो गई है। अब यहाँ से 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे। इस तरह से हमें तिरछी मार्किंग कर लेनी है शोल्डर पर। अब देखिए, मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ऊपर हम कट करेंगे। तो पहले बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग की है। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए बीच वाले पार्ट को अलग कर लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी इसे कटिंग कर लेंगे। और फिर से बैक पार्ट को लेंगे और इस पर बैक नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की विड्थ ली है 3 इंच की और बैक नेक की लंबाई लेंगे 4.5 इंच की। अब इस पर राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग पर नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग पर टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इस कटिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो पहले फ्रंट पार्ट को लिया है, इसे फैब्रिक पर अच्छे से सेट कर लेंगे और एज इट इज़ कट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है। अब लाइनिंग को अटैच करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को ऐसे नीचे की तरफ उल्टा रखेंगे और यहाँ से देखिए, फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ है। अब पहले बैक नेक को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेनी है और सिलाई होने के बाद देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से नोचेस लगा लेंगे। अब लाइनिंग को उल्टी साइड में पलट लेंगे। तो बैक नेक देखिए रेडी हो चुका है। अब लाइनिंग को अटैच करने के लिए इस तरह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, किनारे पर सिलाई लगाते हुए लाइनिंग को हमने अटैच कर लिया है और नेक पर भी सिंगल फुट के गैप पर सिलाई कर दी है, जिससे लाइनिंग बाहर की ओर नहीं दिखेगी। और सेंटर में यहाँ पर मार्किंग कर दी है।
और बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट पार्ट पर भी हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है और इस पर भी सेंटर मार्किंग कर दी है। अब देखिए बैक का नेक हमने रेडी कर लिया है। अब इसका जो फ्रंट नेक का वो हम बाद में रेडी करेंगे, तो पहले हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करके उसको रेडी कर लेते हैं। और बॉटम पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक की मैंने इस तरह से 2 फोल्डिंग कर ली है और ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है और ये चौड़ाई वाली साइड है। अब देखिए बॉटम आपने कितने इंच का कट करना है, तो मेरी कुर्ती के तैयार लेंथ है 45 इंच की, जिसमें से 15 इंच का टॉप पार्ट रेडी होगा, तो तैयार लेंथ में से 15 इंच कम कर लेंगे। बाकी बचे 30 इंच, तो 30 इंच का बॉटम पार्ट रेडी होगा प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद मैंने 32 इंच पर फैब्रिक की फोल्डिंग की है। तो इस तरह से आप फोल्डिंग करेंगे तो बिल्कुल भी आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। अब इस फोल्डिंग पर इसे कट कर लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में कर देंगे, इसमें से हमें स्लीव कट करने हैं बाद में। अब इस 2 फोल्डेड फैब्रिक को एक बराबर कर लेंगे और इसे बीच में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे बॉटम पार्ट के 2 पल्ले रेडी हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने इसका विड्थ बताया था आपको, 44 इंच का फैब्रिक का विड्थ था, तो इस तरह से चौड़ाई में इस पर हमें प्लेट्स रेडी करने हैं। तो एक साइड पर हमारे यहाँ पर प्लेट्स आएंगे और 3 साइड हमारी ओपन रहेगी। तो जो हमारे साइड्स हैं, साइड स्लिट पर हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे, तो ये लेस हमारी 3 साइड पर अटैच होगी। तो लंबाई में एक साइड हमें ओपन छोड़ देनी है, उस पर लेस नहीं लगाएंगे। तो सेम इसी तरह से दोनों पल्लों पर हमें लेस को लगा लेना है। तो ये देखिए फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है और लेस को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे किनारे पर। अब लेस को उल्टी साइड में फोल्ड कर देंगे और फोल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच कर लेंगे। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप इसे इसी तरह से 2 फोल्ड करके किनारे पर सिलाई कर लें। अब यहाँ से लेस को टर्न करने से पहले लेस पर स्मॉल कट लगा देंगे, इससे लेस कॉर्नर पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगी। तो देखिए दोनों पल्लों पर 3 साइड्स पर हमने लेस लगा दी है। अब जिस साइड हमने लेस को अटैच नहीं किया है वहाँ पर इस तरह से पल्ले की 2 फोल्डिंग करेंगे और सेंटर पर कट लगा देंगे, और ये कट आपने दोनों पल्लों पर देना है। इस तरह से ये हमने सेंटर मार्किंग कर ली है। तो बॉटम पार्ट की हमने कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने इस तरह से 4 फोल्डिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैंने पफी स्लीव रेडी करनी है और स्लीव की कटिंग हम पेपर पर देखेंगे। तो इस तरह से पेपर की मैंने 2 फोल्डिंग कर ली है। तो इस पर मैं एक स्लीव कट करके दिखाऊंगी। और फैब्रिक पर कटिंग करने के लिए फैब्रिक की आपने 4 फोल्डिंग कर लेनी है दोनों स्लीव को एक साथ कट करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे जितनी हमें फोल्डिंग चाहिए। तो 1.5 इंच की नीचे की तरफ फोल्डिंग रखी है। अब इस लाइन से ऊपर की तरफ लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो तैयार लेंथ स्लीव की है 10 इंच की, 10 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन से 3 इंच नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की मार्किंग लेनी है। तो चेस्ट मार्किंग हमने 9 इंच पर की थी, तो 1 इंच कम करने के बाद यानी कि 8 इंच पर यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देनी है इस तरह से। अब इस मार्किंग से स्लीव की लूजिंग लेंगे। स्लीव की लूजिंग है 1.25 इंच की, तो यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 1.5 इंच के गैप पर एक मार्जिन लाइन ली है। अब यहाँ तक हमने जो मार्किंग की है ये नॉर्मल स्लीव की मार्किंग। अब हम यहाँ से पफ के लिए मार्किंग करेंगे। अब इस लाइन से 5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर्म होल की मार्किंग ली थी हमने 8 इंच की, 8 इंच का हाफ करेंगे तो आता है 4 इंच, 4 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस वाली मार्किंग से ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पर 4 इंच की मार्किंग है, 4 इंच का हाफ लेंगे 2 इंच। अब इस वाली मार्किंग से पफ स्लीव की गुलाई देंगे। इस तरह से मार्किंग लेते हुए यहाँ पर मार्किंग को मिला देंगे। तो पफ स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे बाहर वाली मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने 4 इंच की मार्किंग की थी यहाँ पर इस तरह से स्मॉल कट लगा देंगे। अब स्लीव को ओपन करेंगे।
अब जो हमने दोनों साइड पर ये स्मॉल कट लगाए हैं, इसके ऊपर की तरफ हमें प्लेट्स रेडी करने हैं, वो हम फैब्रिक के ऊपर देखेंगे किस तरह से रेडी करने हैं प्लेट्स। तो फैब्रिक के ऊपर मैंने स्लीव को कट करके रखा है और स्लीव के सेंटर में भी एक स्मॉल कट लगा लेंगे। प्लेट्स बनाने के लिए स्लीव को देखिए, जो सीधी साइड है वो हमें नीचे की ओर रखनी है, और यहाँ पर जो हमने स्मॉल कट लगाया है यहाँ से हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे, और प्लेट्स हम इस तरह से नीचे की ओर बनाएंगे और इसे पिंस के साथ सिक्योर कर देंगे। इसी के साथ एक और छोटा सा प्लेट बनाएंगे और इसे भी पिंस के साथ सिक्योर कर देंगे। तो सीधी वाली साइड पर देखिए प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वह ऊपर की तरफ आएगी, तो इसी तरह से हमें ये प्लेट्स रेडी करने हैं। तो उल्टी साइड पर हम जब प्लेट बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ बनेंगे और सीधी साइड पर ये इस तरह से ऊपर की तरफ आएंगे। अब इस साइड हमारे चार प्लेट्स आए हैं, अब यहाँ पर भी हमें चार प्लेट्स रेडी कर लेने हैं और कट से हमें प्लेट्स बनाना शुरू करना है। बिल्कुल सेम साइज़ के यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे और इस तरफ भी हमें चार ही प्लेट्स बनाने हैं। तो दोनों साइड के प्लेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे और स्लीव के बॉटम पर हम ये वाली लेस अटैच कर देंगे। तो प्लेट्स पर हमने सिलाई लगा के प्लेट्स को सेट कर लिया है और बॉटम पर भी लेस को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। तो स्लीव रेडी होने के बाद अब हम फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। तो पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो पेस्टर्ड बुकरम के ऊपर मैंने ये नेक लाइन पहले ही ड्रॉ करके रखी हुई है। तो ये नेक रेडी करने के लिए पहले आपने वी नेक लाइन की मार्किंग करनी है, और वी नेक लाइन की लंबाई 8 इंच की लेंगे और चौड़ाई आपने 4 इंच की लेनी है। और इस पर कटवर्क रेडी करने के लिए आपने कोई हार्ड पेपर या बुकरम के ऊपर इस तरह से एक कटवर्क रेडी कर लेना है। अब इस कटवर्क को वी नेक लाइन के साथ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर कटवर्क ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने कटवर्क ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक 1/2 इंच की मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इस नेक की रेडी लेंथ होगी 5.5 इंच की। अब इस मार्किंग के ऊपर नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इस नेक को हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो नेक को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया इस तरह से। अब इसे कुर्ती के फ्रंट साइड पर इस तरह से रखेंगे और कटवर्क के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए नेक को रेडी कर लेंगे। तो नेक को हमने इस तरह से देखिए सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। सीधी साइड पर भी इस पर टॉप स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पर मैंने लेस के 2 पीसेस लिए हैं। इस लेस को ऐसे दोनों तरफ अटैच कर देंगे। तो दोनों साइड पर लेस अटैच कर दी है और सेंटर में बटन भी लगा दिए हैं। अब शोल्डर अटैच करने के लिए बैक पार्ट को इस पर उल्टा करके रखेंगे और दोनों तरफ की शोल्डर की सिलाई लगा देंगे, और शोल्डर अटैच होने के बाद इसे ओपन करेंगे और इस पर स्लीव अटैच करेंगे जो हमने पहले ही रेडी कर ली थी। तो स्लीव पर हमने सेंटर मार्किंग कर रखी है। स्लीव की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ है। अब स्लीव की सेंटर मार्किंग को शोल्डर की सिलाई के साथ इस तरह से एक बराबर कर लेंगे और स्लीव को इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से स्लीव की सेंटर मार्किंग को शोल्डर की सेंटर मार्किंग के साथ इस तरह से एक बराबर करके यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। अब इसे साइड से स्टिच करना शुरू करेंगे। तो दोनों साइड की स्लीव अटैच होने के बाद अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। दोनों पल्लों को बराबर करेंगे। तो स्लीव से सिलाई को शुरू करेंगे और नीचे कमर तक ये सिलाई कर लेंगे। तो एक साइड पर मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। तो फिटिंग की सिलाई होने के बाद इस पर हमने बॉटम पार्ट को अटैच करना है। तो इस पर हम मार्किंग करेंगे, सेंटर मार्किंग से 5 इंच इस तरफ और 5 इंच इस तरफ हमें मार्किंग करनी है। देखिए सेंटर मार्किंग से इस तरह से हमें मार्किंग लेनी है, इस तरह से 5 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड भी हमें 5 इंच पर ही मार्क करना है। अब यहाँ पर हमें स्मॉल कट लगा लेने हैं इस मार्किंग के ऊपर, और ये मार्किंग फ्रंट और बैक दोनों पल्लों पर हमें करनी है। तो दोनों पार्ट्स को मैंने देखिए इस तरह से एक बराबर रख लिया है ताकि आपको पता हो किस तरह से इसे अटैच करना है। तो देखिए दोनों साइड्स पर हमने जो 5-5 इंच की मार्किंग की है, यानी कि 10 इंच पर मार्किंग की है, इस 10 इंच पर ही हमें प्लेट्स रेडी करने हैं। तो यहाँ पर हमने टॉप पार्ट को लिया है, तो टॉप पार्ट के सेंटर में हमने यहाँ पर स्मॉल कट लगाया था और बॉटम पार्ट पर भी हमने स्मॉल कट लगाया था। अब इन दोनों कट को देखिए एक बराबर कर लेंगे, और दोनों फैब्रिक की सीधी साइड हमने अंदर की ओर रखी है, और दोनों कट को इस तरह से एक बराबर करते हुए यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। अब हम इसे साइड से स्टिच करना शुरू करेंगे। तो बॉटम पार्ट की जो स्लिट है
इस स्लिट को टॉप पार्ट की जो फिटिंग की सिलाई है बिल्कुल वहाँ पर रखेंगे उसके साथ। देखिए इस तरह से, तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने कट लगाया था यहाँ तक हमें एक सीधी सिलाई लगानी है, तो यहाँ तक हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से हम आगे की तरफ प्लेट्स बनाएंगे। इतना जो फैब्रिक है ना ये हमारा सेंटर है और बाकी का यहाँ तक जो फैब्रिक है इस पर हमें प्लेट्स बनाने हैं इस 5 इंच में। तो यहाँ पर मैं तकरीबन मेरे 1-1 इंच के प्लेट्स आ रहे हैं क्योंकि कपड़े की विड्थ मेरी 44 इंच की थी, तो कपड़े की विड्थ के हिसाब से आपकी प्लेट्स का साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने सेंटर पर पिन लगाई थी यहाँ तक हमारे प्लेट्स बन चुके हैं, तो 5 इंच के हमारे प्लेट्स हो गए हैं। अब बाकी के 5 इंच पर भी प्लेट्स बना लेंगे। अब प्लेट्स की डायरेक्शन आप दोनों तरफ रख सकते हैं। मैंने इस तरह से देखिए बाहर की ओर प्लेट्स बनाए हैं, आप इसी तरह से अंदर की तरफ भी प्लेट्स बना सकते हैं। अब इस साइड के भी स्लिट को इस तरह से सेट कर लेंगे और बाकी बचे कपड़े पर यहाँ पर प्लेट्स बना लेंगे। देखिए 5 इंच तक हमारी प्लेट्स हो गए हैं। अब आगे की सिलाई हमने सीधी सिलाई लगानी है। तो एक साइड का पल्ला हमारा अटैच हो चुका है, अब दूसरे पल्ले को लेंगे और इसकी स्लिट को पहले वाली स्लिट के साथ ही रखेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे लैस को। अब यहाँ तक जो हमने मार्किंग किया यहाँ तक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब सेंटर में पिन लगा लेंगे। तो इस वाली साइड पर भी हम पहले 5 इंच पर प्लेट्स बनाएंगे। तो मैंने इस कुर्ती पर प्लेट्स बनाए हैं, तो आप प्लेट्स की जगह गैदरिंग भी बना सकते हैं धागा खींच के। तो यहाँ पर 5 इंच के प्लेट्स लग गए हैं। बाकी के 5 इंच के प्लेट्स लगाने से पहले स्लिट को इस तरह से साइड में स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरफ के 5 इंच के प्लेट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे की सीधी सिलाई करेंगे। अब टॉप पार्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से साइड में कर देंगे और इसे सिलाई कर देंगे। तो देखिए दोनों पल्लों को हमने अटैच कर दिया है और ये स्लिट देखिए इस तरह से आएगी साइड की। और लेस पर सिलाई लगा के आप स्लिट को छोटा भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही।